नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरु जी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? एसएससी एमटीएस 2020 का डीवी शेड्यूल आ गया केकेआर रीजन के लिए। आप सभी को पता होगा कि 6 सितंबर से आपके डीवी स्टार्ट होने वाले हैं कर्नाटक केरला रीजन में फॉर एसएससी एमटीएस 2020। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि डीवी में क्या क्या होने वाला है एंड क्या सभी रीजन का डीवी सेम डेट्स में होगा या किस रीजन का डीवी किस डेट में होगा, या फिर कुछ कह रहे हैं कि मैंने प्रेफरेंस दिया कर्नाटका को मैक्सिमम कह रहे हैं तो, बट वहां पे मेरा नाम नहीं है, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक एसएससी में डीवी का, चाहे वो एमटीएस 2016 हो, सीएचएसएल 2017 हो, एमटीएस 2019 हो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इवेंचुअली, ठीक है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो वहां पे होता है एसएससी में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। एंड एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सभी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड पॉसिबली आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड होने वाले हैं, मतलब सिलेक्शन लेने वाले हैं, चाहे सीजीएल में हुआ 2020 या सीएचएसएल 2020 हुआ या आपका कोई अदर एग्जाम है, क्योंकि सीएचएसएल 2021 या सीजीएल 2021 तो काफी दूर है अभी, ठीक है। उनके इन बात नहीं करेंगे हम, जो अभी बात है एनटीपीसी की या ऑलरेडी कहीं जॉब में है एंड वो सिर्फ इसलिए डीवी में जा रहे हैं क्योंकि उनको मजा आता है। तो अगर आप ये जॉब नहीं करने वाले तो प्लीज डीवी में ना जाएं। एक डीवी स्किप करने से आप पूरी फैमिली को बचा सकते हो और मतलब सफर करने से, एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अभी एम्प्लॉय हो चुका हूं मैं बट आपकी तरह ही कैंडिडेट था। तो 2016 में मेरा पहला एग्जाम था एमटीएस का, जो कि 2017 अक्टूबर में हुआ था। तो मैं तब से फेस करता आया हूं 2 या 4 मार्क्स से रिजेक्शन, 1 पॉइंट से भी या कुछ मार्क्स से। एंड आई एम श्योर कि काफी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे जाके फेल होते हैं, वो आपसे कम नहीं है पहली बात। तो वो 1-2 क्वेश्चन की बात होती है कि किसी का लक बेहतर हो जाता है, किसी का थोड़ा बुरा हो जाता है। कहते हैं ना 90% आपकी मेहनत काम करती है, 10% लक भी काम करता है। तो अभी वही 10% लक अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपको उनको शो करना कि आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं एंड अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनके लिए स्किप करेंगे तो वो काफी मदद करेगा उनको एक जॉब सिक्योर करने में। एमटीएस की जॉब कोई बहुत बड़ी जॉब तो है नहीं, मैं खुद कहूंगा मैं एक वर्किंग भी हूं, लेकिन इतनी जरूर हो जाएगी उनके लिए कि वो एक 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पाएंगे काफी बेहतर, और हो सकता है वो आने वाले टाइम पे किसी और की भी मदद कर पाए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं एनटीपीसी में, बैंकिंग में, आपके स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं भी अदर सीएचएसएल सीजीएल या किसी अदर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और आप ये जॉब नहीं करने वाले हो, आप श्योर हो कि अगर आप करते भी हो तो 1 या 2 महीने मैक्सिमम करोगे एंड इवेंचुअली आपका सीजीएल में या कहीं और ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, तो प्लीज इसे मत करें। क्योंकि मैंने भी ऐसे कैंडिडेट देखे हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरे साथ में ही थे इनकम टैक्स मुंबई में एमटीएस आए थे, देन उनका सीजीएल 2018 से शायद सीबीआई सब इंस्पेक्टर हुआ एंड 2019 से उन्होंने शायद जीएसटी लिया, वो होम स्टेट मिला है एंड पहले भी उनको दिल्ली मिला था सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। अब उनसे कोई ये पूछने वाला हो कि उन्होंने एमटीएस में ज्वाइनिंग क्यों लिया जब उनका सीजीएल 2018 का रिजल्ट आ गया था, डीवी भी उनको वो श्योर था कि हो जाएगा, ठीक है, बट अब क्या ही करें, मैं उनका नाम नहीं लूंगा एंड आई होप आप सबको पता होगा कि ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स। तो अभी बात करने वाले डीवी में एक्चुअली होता क्या है एंड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं आप सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं मैं, वाइट स्टूडियो पे जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं वो मैं देखता रहता हूं। जैसे यहाँ पे कमेंट्स है, काफी एक कमेंट्स आते रहते हैं आपके, ठीक है, मैं सारे पढ़ता हूँ आपके, जिनका पॉसिबली रिप्लाई कर पाना होता है कि मतलब रिप्लाई में वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाएगा, या फिर जिनका ऐसा कमेंट होते हैं कि भाई रिप्लाई में वो आंसर नहीं कर पाएंगे, तो उन सबके लिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ जिनके लिए रिप्लाई पॉसिबल है रिप्लाई करता हूँ, और जो रिपीटेटिव कमेंट हैं या ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस हैं तो उनको मैं अवॉइड भी करता हूँ। सभी तरह के कमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड कुछ ऐसे कमेंट भी होते हैं जिनके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ सकता है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा,
क्योंकि काफी ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें क्यूरी कुछ ऐसे होती है कि ओबीसी सर्टिफिकेट में ये इश्यू है मेरा, ठीक है, या फलान डॉक्यूमेंट में मेरा ये इश्यू है, तो उनको बिना देखे हम कैसे ही बता सकते हैं, कोई भी कैसे ही बता सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई आपके क्वेश्चंस क्या मेनली, तो क्वेश्चन ये है सबके कि जो डीवी वो कब तक होगा, तो 6 से शायद 15-20 तक है एग्जैक्टली, अभी मुझे ध्यान नहीं कितने डेट्स हैं, नोटिस में दिया भी है इन्होंने, नोटिस में लास्ट डेट जो है आपकी वो 6 से लेके 15 तक है, हाँ 15 सितंबर तक। तो इस डेट्स में क्या सभी रीजन में होंगे, देखिए वहां पे 429 कैंडिडेट हैं एसएससी केकेआर में, अब बाकी रीजन में ज्यादा हैं आपके, एनआर में हुए, सीआर में हुए, ईआर में हुए, ये 3 रीजन ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा, हो सकता है वो एक दिन में थोड़े ज्यादा कैंडिडेट्स भी बुलाएं, सभी पॉसिबिलिटीज है। जैसे ईआर रीजन है वहां पे इतनी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 200-200 भी बुलाते हैं, ऐसे ही एनआर में भी है 150-200 के अराउंड बुला लेते हैं, तो जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होगा उसके अकॉर्डिंग 10 से 15 दिन में मैक्सिमम 20 सितंबर तक आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम में लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब जबकि मैंने केकेआर को प्रेफरेंस दिया था, कर्नाटका को, केरला को, तो मित्रों मेरी बात ये है कि उस रीजन की लिस्ट में सिर्फ उनका नाम होगा जिन्होंने वहां से एग्जाम दिया है। लेट्स सपोज आपने दिल्ली से एग्जाम दिया तो वो आता है एनआर रीजन में, तो आपका डीवी एनआर रीजन में होगा तो उसी लिस्ट में आपका नाम होगा। सेम आपका बिहार, पटना या फिर आपके यूपी कैंडिडेट्स के लिए होगा जो यूपी में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एंड जो चंडीगढ़ वगैरह में दे रहे हैं उनका NWR होगा, इधर महाराष्ट्र साइड होगा या गुजरात या फिर आपका गोवा में तो वेस्टर्न रीजन में होगा, ठीक है। इसी तरह जिनका कर्नाटक या केरला में एग्जाम हुआ है तो वो केकेआर में नाम आएगा, तो पहली बात ये हो गई, ठीक है। दो बात हो गई कि आपका डीवी कब से कब तक हो सकते हैं सभी के, तो सभी के ऑलमोस्ट सेम डेट्स में हो जाएंगे, एंड नाम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डिस्कस किया है, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या आपको लेके जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, आपको फोटोज लेके जाने हैं, आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, उनकी 3-3-4-4 कॉपीज लेके जाइए, एक एक ही कॉपी लगेंगे, जो भी आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सभी लेके जाइए, ठीक है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं होता है, अगर किसी सर्टिफिकेट में डॉक्यूमेंट में आपका नाम इनकरेक्ट है, फादर नेम इनकरेक्ट है, कुछ मिसिंग है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। ये इन शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं की जरूरत होती है, 10th सर्टिफिकेट इज नेसेसरी एंड इट्स मोस्ट, तो आप इसे जरूर लेके जाएं, ओरिजिनल में भी एंड फोटोकॉपी भी, देन आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपकी कैटेगरी है वो कोशिश कीजिए कि सेंट्रल फॉर्मेट में हो, स्टेट फॉर्मेट में दिक्कत करेगा, ठीक है, क्रूशियल डेट से पहले है तो आपका क्लियरली एक्सेप्ट हो जाएगा, बट ओबीसी का स्पेशली क्रूशियल डेट के बाद है तो आपका प्रॉब्लम करेगा, प्रोविजनली सिलेक्ट होंगे, देन डिपार्टमेंट आगे वेरीफाई करेगा, ये सब बातें हैं, ठीक है। फोटोग्राफ लेके जाएं एंड पेन वेन लेके जाएं अपना, ठीक है, और यही सभी डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है, एंड देन आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी ले जा सकते हैं, तो बेहतर है आप आधार कार्ड ही लेके जाएं, कुछ अभी दिक्कत है तो अभी एक हफ्ता से ज्यादा आपके पास, 10 दिन से ज्यादा है तो अभी करेक्शन हो सकता है आपका, अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो जल्द से जल्द एफिडेविट बनवा लीजिए। ये तो बात होगी आपके डॉक्यूमेंट्स के मोटे मोटे तौर पे। अब बात करते हैं वहां पे होता क्या है, आपका डीवी शेड्यूल आ गया, देन आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में आपके सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन होते हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना है, देन वो आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे, जाएंगे अपने रीजनल ऑफिस में, ठीक है, वहां पे जब जाएंगे तो एंट्री पे आपका एडमिट कार्ड चेक होगा एंड आपका एक फोटो आईडी प्रूफ चेक होगा, बाहर आपको वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा, वेटिंग एरिया में जो भी आपका बैच नंबर होगा, ठीक है, जो भी आपका बैच नंबर होगा एंड ऑफिसर का जो भी आपका एरिया होगा वहां पे आपको पहुंचा दिया जाएगा, और देन एक 1 by 1 कॉल करते हैं वो, मे बी बैच में भी कॉल करते हैं, मतलब 1 से 10 रोल नंबर आ जाइए, या एग्जांपल के तौर पे 11 से 20 रोल नंबर आ जाइए, ऐसे वो बुलाते हैं, एनआर में तो स्पेशली यही होता है। देन वहां पे काफी सारे ऑफिसर बैठे होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कंसर्न ऑफिसर, उनके साथ एक एक बंदा कंप्यूटर पे बैठा होगा, वो आपकी डिटेल्स एंटर करेगा। वहां पे जैसे ही आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको मेंशन करना तो कि कभी आपके पास आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड एंड बाकी 2-4 डिटेल और हैं, वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैंने लगा दिया है, एंड एडिट करने के बाद ऑब्वियसली वो सबमिट करा दोगे आप, ठीक है, जो कैटेगरी से है तो उनको उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन फिल करना है, एंड बाकी आपके फिर जैसे आप पहुंचोगे तो
तो वहां पे आपको एक वो भी दिया जाता है आपके डोजियर के रिलेटेड, उसमें आपके नाम वगैरह लिखे होते हैं, हैंड राइटिंग के आपके जो स्पेसिमेन है या वो जो हैंड राइटिंग सैंपल लिए जाने हैं उसको लिखा जाएगा, आपके जो डोजियर देंगे उस पर लिखा होगा एक लाइन, वो आपको लिखनी है ठीक है, बाकी आपकी डिटेल्स होंगी वो आपको मैच करनी है, कुछ और दो चार ऐसे ही होंगे, देन आपके आपको बिठा दिया जाएगा ऑफिसर के सामने और ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे ओरिजिनल में एंड फोटो कॉपीज में, ओरिजिनल वो आपके वेरीफाई करेंगे देखेंगे, वो आपका ओरिजिनल वापस कर देंगे एंड फोटो कॉपी आपसे ले लेंगे, अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए, मैंने आपको एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में बताया भी है अटेस्टेड कैसे करना, सेल्फ अटेस्टेड लिखना डॉक्यूमेंट के फ्रंट पे, देन साइन करना है, देन डेट डालनी है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है, उसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सो एज टू वेरीफाई यू कि आप जेन्युइन हो या नहीं, जस्ट लाइक आपकी माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, ऐसी चीजें वो पूछ लेते हैं, एंड ऑब्वियसली आप जेन्युइन कैंडिडेट हो गए तो इजिली बता ही दोगे क्योंकि ये तो सबको ही पता होता है ठीक है, एंड डीवी तो खुद ही कैंडिडेट कराने जाते हैं, एंड कुछ एक कैंडिडेट मेरे एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं गया था तो वहां पे ऐसे ही बुलाया गया हमें भी, एंड मेरे जस्ट बैक में जैसे लेट्स सपोज मेरे सामने आप बैठे हो ऑफिसर बैठे हो, एंड बैक में ऐसे ही जैसे पीछे चेयर दिख रही है आपको वो उस तरफ मान लो आप, तो उस तरफ दूसरा कैंडिडेट बैठा है, तो सेम उसी तरफ एक ऑफिसर भी बैठे हैं, ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन पूछे होंगे, वो हड़बड़ा गए, अब उनसे बोला गया कि आप एक्सेप्ट कर लो अगर आप नॉन जेन्युइन हो या फ्रॉड कैंडिडेट हो, तो इवेंचुअली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और आपको देखने में भी आया होगा कि डिबार लिस्ट भी आती है ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सभी फ्रॉड कैंडिडेट्स पकड़े जाते हैं, फ्लोज हर जगह है, मैं ये भी नहीं कहता कि फ्रॉड कैंडिडेट्स होते हैं या नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं सच्चाई क्या है, 2017 सीजीएल का केस देख सकते हैं, सीएचएसएल का केस देख सकते हैं ठीक है, उसमें क्या ही हुआ था एंड क्या ही पकड़े गए फिर इवेंचुअली, उसके बाद ये विधायक वगैरह के केस शुरू होने ज्यादा हुए, एंड डीबार पहले भी होते थे अब भी होते हैं ठीक है, देन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे वो फोटो वगैरह लगा के, एंड सामने आपकी एक डिस्प्ले भी होगी ठीक है, एक डिस्प्ले उनकी तरफ होगी एक आपकी तरफ होगी, तो जैसे जैसे डिटेल्स एंट्री करेंगे तो वहां पे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, एंड अपना जो भी लाइक डिटेल्स में आपके कोई एरर है, एफिडेविट आप बनवा के लेके गए हो, आपके एड्रेस में एरर है, आपके फादर नेम में थोड़ा बहुत एरर, तो वहां पे आप करेक्ट करा सकते हो ठीक है, एफिडेविट के बदौलत एड्रेस वगैरह के इशू में आप वो ठीक कर देंगे, या आपका रोल नंबर कुछ गलत हुआ है, आज आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था, तो ये सभी चीजें वहां पे ठीक हो सकती है, वहां पे आपको ध्यान से देखना है, फिर बाद में आप ये नहीं कहिएगा कि मुझे ध्यान नहीं है कि वहां पे क्या हुआ था, तो अब भी कुछ हो सकता है क्या, देखिए ये प्रॉब्लम नहीं करेंगी, बट एड्रेस वगैरह का इश्यू आपका तब आएगा जब आप डिपार्टमेंट के पास आपके डोजर पहुंच चुके होंगे, तो वो आपके पास आपके अपॉइंटमेंट ऑफर भेजेगा, बाकी सभी चीजें होंगी ठीक है, वहां पे दिक्कत हो सकती है, तो वो सभी वेरीफाई करेंगे, देन वेरीफाई करने के बाद आपको एक डीवी शीट दी जाएगी, एक कॉपी आपको मिलेगी, एक कॉपी ऑफिसर जमा कर लेंगे आपके डोजियर में लगा देंगे, डोजियर पूरी फाइल होती है जो आपके डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड होती है, उसमें आपके Tier 1 के कमीशन कॉपी होती है, Tier 2 की कमीशन कॉपी होती है, एंड कमीशन कॉपी जो डीवी की होगी वो भी होगी, डीवी में भी हाँ डीवी में मिलता पूरा पेपर, तो वो सभी चीजें होंगी, एंड देन वो फाइनली साइन करके आपको दे देंगे, आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं तो आपको ओके करें भेज देंगे, अगर जैसे प्रोविजनल है केस या हैंड राइटिंग मिसमैच वगैरह उनको लग रहा है तो उसमें मेंशन कर देंगे कि प्रोविजनली मिस मैच ऑफ हैंड राइटिंग या कुछ भी इश्यू, और हाँ अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद है, क्रूशियल डेट क्या है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, अगर उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट है तो आपको प्रॉब्लम होगी, एंड वहां पे प्रोविजनल मिलेगा आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर है तो उसमें भी आपको वो प्रोविजनल दे सकते हैं, एंड यही है कि आपको फाइनली वो डीवी कंडक्ट करा के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉपी देके देन भेज देंगे, उस पर क्लियर मेंशन होगा या प्रोविजनल होगा या रिजेक्ट, रिजेक्ट उस केस में होता है मान लो आपने क्लेम किया ओबीसी सर्टिफिकेट और आप डीवी में ओबीसी कट ऑफ से ही पहुंचे हो ठीक है, बट आपके पास वहां पे ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑब्वियसली आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा ठीक है, एंड मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे लास्ट MTS 2016 में, मुझे याद अभी भी एक फीमेल कैंडिडेट थी, उनकी शादी से पहले कैटेगरी शायद UR थी, शादी के बाद दूसरी कैटेगरी चेंज हो गई, तो वो क्लेम कर रही थी तो नहीं हो पाया वो, एंड जिस भी वजह से उनका कैटेगरी चेंज हुआ वो मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, लेकिन वो क्लेम नहीं हो पाया था, अगर आपका कैटेगरी वगैरह का इशू है या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इशू है तो बन सकता है आपका दिक्कत, एंड रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेनली वही रिजेक्शन फेस करते हैं या तो फ्रॉड कैंडिडेट हो पकड़ा जाए, दूसरी बात डॉक्यूमेंट्स में आपने क्लेम कुछ किया हो जैसे कि 10th हो रखी हो 10th वहां पे नहीं हो
ये किसी का नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मेहनत करके वहां तक जाएगा और उसका टेंथ ना हो। हाँ बट आपका नेम वगैरह में डेट ऑफ बर्थ में खासा चेंज है, सेपरेट है बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ, तो आपका रिजेक्शन मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी से गए हो, एससी एसटी से गए हो और वहां पे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों, एंड जो भी मुझे पता था डीवी में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है या डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, एंड जो भी आपके कमेंट्स से डाउट होते हैं यहाँ पे देखते रहते हैं। एंड फिर अगेन मैं कहूँगा जो भी मेरे साथी डीवी स्किप कर सकते हैं, ये जो नहीं करने वाले डीवी में जाने के बाद, तो वो जरूर स्किप करें। अगर 100 कैंडिडेट्स स्किप करेंगे तो 100 फैमिलीज और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। एंड ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे। एंड एक बात और बताऊं मैं, आप वो जॉब में डीवी जाके ले तो लोगे, वो नाम फाइनलिस्ट में आ जाएगा, तब वो काउंट ही होगी दोबारा। आप जब नहीं जाओगे वो फिर से वैकेंट होगी, सरकार को फिर से मौका मिलेगा उसे फिर से ऐड करने के लिए, तो फिजिबल आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक योरसेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।